वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप? बढ़िया। चलो आज का जो टॉपिक है वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक वर्लपूल का इन्वर्टर आउटडोर का पीसीबी है 1 टन का, तो ये क्या कहीं दूसरी जगह से आया है और ये 200-300 किलोमीटर दूर से आया है। प्रॉब्लम अब क्या बताऊँ आपको कि ये सब चीज़ें चेंज की हुई हैं, लेकिन ये चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो ये सब भी ख़राब बता रही हूँ। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये IGBT वगैरह सारी शॉर्ट आ रही हैं। ये मैं डायोड मोड पे कर लिया हूँ और देखिए पहले IGBT को चेक करते हैं। तो ये IGBT चेंज तो करा है इन्होंने, लेकिन ये शॉर्टिंग बता रही है। ये वाली पिन भी शॉर्ट बता रही है। इधर ही एक डायोड लगाया है, लेकिन ये डायोड भी ख़राब ही बता रहा है। मैं चेक तो कर चुका हूँ, लेकिन देखो ये इधर भी 34 बता रहा है, इधर भी 34 ही बता रहा है ये। और इधर इसको चेक करता हूँ मैं, पॉजिटिव में नेगेटिव लगाया हूँ। डायोड को चेक करें तो यहाँ रीडिंग सही आ रही है, ये रीडिंग भी लगभग सही है। तो इधर मैं नेगेटिव में पॉजिटिव लगाया हूँ और इधर चेक कर रहा हूँ तो यहाँ भी ठीक बता रहा है, यहाँ भी ठीक बता रहा है। तो ये भी काट पीट के चेंज किया हुआ है, लेकिन ये तो सही है। तो अब काय को छेड़ेंगे, लेकिन ये मैं निकालता हूँ इन दोनों को, फिर देखते हैं कि क्या होगा। ये भी कौन सा नंबर कोई दूसरा डाल दिया, क्या हो गया, लेकिन ये वापस शॉर्ट हुई हुई है। तो अपन इसको रिमूव करते हैं, देखते हैं क्या क्या लग रहा है। दोस्तों ये डायोड ही फटा पड़ा है, देख रहे हैं आप, देखो फट गया बिल्कुल, ये अलग ही हो गया इसका मीटर, नंबर का भी लफड़ा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। IGBT को रिमूव करना है, निकल तो गया है, लेकिन ये प्रिंट व्रिंट सारी उखड़ गई है इसकी। इसका नंबर दिखाता हूँ दोस्तों मैं कि क्या नंबर का लग रहा है ये। इसका नंबर है 40N60। कैमरे में दिखाता हूँ, अगर उठ जाता है तो देखो, देखो उठ रहा है, 40N60 लग रहा है ये। तो अब ये तो मेरे पास है नहीं, 40N60 का नहीं है, अपने पास कोई दूसरा ही है, तो मैं दूसरा पहले निकाल के रखा हूँ। तो ये दिखा रहा हूँ मैं कौन सा लगाऊँगा। इसके जो नंबर है H30R1353, ये नंबर इसके हैं। एक बार कैमरे में देख लो उठता है तो, ये नंबर का मैं इसमें डाल रहा हूँ। और जो डायोड है वो डायोड सेम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये डायोड है मेरे पास, ये कहीं से निकाला था मैंने, तो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये चल जाएगा। क्योंकि ये चल इसलिए जाएगा कि 1 टन का ही है ये एसी, तो एम्पियर कोई ज़्यादा नहीं है इसके, तो शायद ये चल जाना चाहिए। तो मैं ये वाला डायोड और ये वाला IGBT इसमें इंस्टॉल करता हूँ, देखते हैं कि क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा। काम कर जाएगा तो आपके पास वीडियो आ जाएगा, नहीं करा तो फिर नहीं आएगा। बाकी दोस्तों क्या है कि ये पूर्णतः चीज़ को टेस्ट नहीं करते हैं, जब तक ये चलना नहीं चलना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये टेस्ट करना आना ज़रूरी होता है।
मैं इसको फिनिश कर लिया हूँ, अभी इंस्टॉल करते हैं, देखिए क्या होता है। और तो कहीं शॉटिंग बता तो रहा नहीं है, एक डायोड, मैं डायोड को और चेक कर लेता हूँ बीच में रोक करके, इस डायोड पे कोई शॉटिंग तो नहीं आ रही है, इधर नहीं बता रहा शॉटिंग। शॉटिंग नहीं है दोस्तों, ये 400 490 ये कुछ आ रहा है, ये रीडिंग आ रही है इसकी, शॉटिंग यहाँ नहीं है। अभी एक बार आईपीएम को और चेक कर लेते हैं कि अगर शॉटिंग तो नहीं है, कि ये नेगेटिव की पिन होती हैं जो देख रहे हैं आप तीनों, तो मैं नेगेटिव पे लगा लिया हूँ, और ये जो तीन पिन है UVW हैं, 423 आ रहा है दूसरी पे, 423 इसलिए भी 423, तो ये एक साइड का बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये रहा पॉजिटिव, पॉजिटिव पे मैं नेगेटिव लिया हूँ, फिर UVW में चेक करता हूँ तो ये बिल्कुल सही बताया, और ये भी सही बताया, और ये भी अपने सही, तो IPM भी सही बता रहा है इसमें दोस्तों, दो IPM है, एक ये भी लग रहा है, तो ये मोटर के लिए है और ये कंप्रेसर के लिए है, क्योंकि आजकल के बोर्डों में ज़्यादातर डबल ही आ रहे हैं देख रहे हैं। मेरे पास निकाला हुआ पड़ा था, ओरिजिनल है, लेकिन देखते हैं कैसे काम करेगा क्या करेगा। ये IGBT स्टोर हो गया है, इधर से देख रहा हूँ कहीं ब्रेक का कोई लकड़ा तो नहीं है, थोड़ा सा मुझे इस ट्रेक को बनाना ढंग से पड़ेगा, गेट वाली पिन है ये, अब डायोड दोस्तों ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन पहले से निकाला हुआ है, तो ये डायोड काम कर जाते हैं, मैं क्योंकि एक दो बोर्ड में पहले लगा चुका हूँ, तो इसमें डालता हूँ मुझे कि क्या होता है। थोड़ी सी पिन वगैरह आउट हो रही है, लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी पता लगे कि क्या कैसा वीडियो रहा, कैसा लगा। तो दोस्तों IGBT में इंस्टॉल कर दिया हूं, और अभी मैं दिखाता हूं आपको कि ये सब हो गया है, बंद कर देगा, बंद कर देगा।
इसकी न्यूट्रल लाइन है, नीचे देखते हैं कोई कचरा तो नहीं है। सॉफ्ट हो जाता है, मैं इसको सीरीज में लगाता हूँ, अभी देखता हूँ देख क्या। तो ये ना तो बल्ब गीली करा है, नहीं ही बोर्ड स्टार्ट हुआ है। अभी तो वोल्टेज चेक करते हैं कि ये क्या हो गया। तो ये मीटर भी ना अभी एसी वोल्ट पे है ये। तो दोस्तों अभी स्टार्ट हुआ नहीं है बोर्ड, लेकिन अब देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम रह गई है। तो यहाँ मैं इससे कॉइल पे चेक करता हूँ कि एसी वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ वोल्टेज आया नहीं है, क्योंकि देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये वोल्टेज यहाँ एसी वोल्ट नहीं आए हैं। तो इससे पहले कुछ अब सीधा सीधा पहले फ्यूज ही चेक करते हैं कि फ्यूज पे। तो ये न्यूट्रल है और ये लाइन है, न्यूट्रल लाइन पे यहाँ 240 वोल्ट आ गए, फ्यूज के इनपुट में भी आ गए, फ्यूज के आउटपुट नहीं आ रहे हैं। ये वोल्टेज नहीं आ रहे, तो पहला काम तो ये कि अपन चेक करते हैं एक बार। मैं इस लीक को यहाँ से हटाता हूँ और फ्यूज पे डायरेक्ट लगाता हूँ, क्योंकि बोर्ड अपना ऑन होता है कि नहीं होता है। तो ये मैं ये लगा दिया, देखो बल्ब गीलू करा और ये बोर्ड भी अब ऑन हो गया, रिले की आवाज़ आ गई। इधर लाइट वाइट ये देखिए, ये लाइट गीली हो गई, ये लाइट जलने लग गई, और एक लाइट देखिए यहाँ भी गीलू कर रही है, ये भी लगी, दोनों लग जल रही हैं ये। तो ये बोर्ड अपना बिल्कुल अब चालू हो गया है। तो दोस्तों मतलब इस तरीके से क्या होता है इनका, और कुछ नहीं है, डायोड का पता करना पड़ता है कि डायोड है कि नहीं, फिर क्या डायोड कितने एम्पियर का है ये भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो थोड़ा एम्पियर विशेष चीज़ होती है आईजीबीटी वगैरह में। बाकी आईजीबीटी लगाएं तो आप ज़्यादातर वही लगाएं जिसके वोल्टेज 1200 के आसपास हों, क्योंकि किसी में कम भी होते हैं किसी में ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन वोल्टेज कम का नहीं लगाना आपने। अगर थोड़ा ज़्यादा लगा दें तो चलने को है, लेकिन अगर कम लगाते हैं, मान लीजिए 600 वोल्ट का है और अपने 1200 वोल्ट लगाएं तो भी वो काम करता है, मैं लगा चुका हूँ कई बार। लेकिन अगर अपने पास मान लीजिए 1200 वोल्ट का है तो 600 का नहीं चलेगा, या 900 का है तो 900 का भी चल जाएगा 600 की जगह। लेकिन कई कई बार क्या होता है, अलग ही होता है कि मैंने आईजीबीटी लगाया और वो 2 मिनट में ही शॉर्ट हो गया, या लगाते ही शॉर्ट हो गया। तो ये एक डायोड होता है, इस डायोड को अपने को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर भी इसमें तो छोटा डायोड है, किसी किसी में तो वो आईजीबीटी जितना ही बड़ा रहता है, तो उसको आप जरूर चेक करें जब आईजीबीटी लगाएं तो, कि अपना डायोड शॉर्ट नहीं है, ये ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है ये शॉर्ट नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात फिर क्या होता है, एसएमपीएस के वोल्टेज पूरे करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी अपने एक बार ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार वोल्टेज कम होते हैं तो फिर बोर्ड आगे जाके परेशानी खड़ी कर देता है। तो मैं वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको कि इसके कितने कितने वोल्ट बन रहे हैं। देखिए ये लगाया है, 5 वोल्ट का ट्रैक है, 12 वोल्ट का ट्रैक है, और ये 15 वोल्ट का ट्रैक है, और इसमें जो दिखाया गया है ये वाला ग्राउंड का ट्रैक है, ये जो दिख रहा है ये ग्राउंड है। तो दोस्तों यहाँ ट्रेस करना तो थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि इसके ऊपर पॉलिश है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि अपने सामने ये हो गए। नहीं दोस्तों क्या पॉलिश बहुत ज़्यादा है, ये देखिए 5 वोल्ट पे आ गए हैं। तो ये 5 वोल्ट का ट्रैक है, अब मैं 12 पे लगाता हूँ तो 12 देखता हूँ आएगा कि नहीं आएगा। ये 12 वोल्ट आ गए देखो एकदम करेक्ट है, और ये 15 वोल्ट एक बार और चेक कर लेते हैं कि 15 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 15 वोल्ट भी बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, तो वोल्टेज इसके सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों अब जो बचा है वो है सिर्फ और सिर्फ फ्यूज, तो मैं फ्यूज इंस्टॉल इसमें और कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको ठीक है। तो ये मैं डिस्कनेक्ट कर दिया इसको,
फ्यूज डालना है और इसको फिट भी करना है, तो पहले फ्यूज को निकालता हूँ। और बोर्ड में ध्यान रखिए दोस्तों, अभी भी ये देखो ये एलईडी लाइन हटा दी है लेकिन गिल्यू कर रही है, क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज रहते हैं। या तो आप काम करते वक्त सावधानी रखिए, नहीं तो एक कैपेसिटर को डिस करें, वरना आपका कोई नुकसान हो सकता है। हालांकि मेरे को तो इस चीज़ का पहले से नॉलेज है, क्योंकि हम लोग काम कर चुके हैं, तो कहाँ इसके वोल्टेज रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं वो थोड़ा पता रहता है, इसलिए दिक्कत नहीं आती है। बाकी अगर कोई नया भाई काम करता है तो वो इसको डिस्चार्ज करें, ताकि आपको नॉलेज रहे कि भाई कहीं ख़राब नहीं हो अपना सिस्टम, नहीं तो इनको क्या उड़ने में टाइम लगता नहीं है। ये फ्यूज को मैं निकाल दिया हूँ, अभी आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये बीप मोड पे करके, ये बीप मोड में आ गया, तो ये मेरा देखो बीप चालू है, लेकिन ये फ्यूज पे लगाऊंगा तो फ्यूज नहीं बोल रहा है, तो ये मेरा फ्यूज ख़राब हो गया। अब मैं देखता हूँ, ये मेरे पास से 10 एम्पियर का फ्यूज है, ये फ्यूज डालूंगा मैं इसमें। तो पहले मुझे इसको थोड़ा फिनिश करना पड़ेगा, ये लग जाएगा देखता हूँ, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा साफ भी करना पड़ेगा इसको। दोस्तों लग गया फ्यूज, लेकिन नीचे से जब भी आप चालू करें इसको तो नीचे से बिल्कुल क्लीन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है सामान पड़ा रह जाता है नीचे, कुछ कुछ अलग जैसे चिमटी आ गई, पेचकस आ गया, छोटा कुछ आ गया, तो फिर वो बोर्ड शॉर्ट हो जाता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा से इसको स्टार्ट करके, तो ये न्यूटन 9 है, लग गए हैं, और फिर से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ये बल्ब गीली हुआ और ये बोर्ड ऑन हो गया है, देखिए आप पूरा बोर्ड गीलू करने लग गया है, लाइटें वाइटें सब आ गई हैं, तो अभी अपना काम हो गया है। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।